हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप एक से दो साल के बेबी के लिए अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीटर का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में करके बिछा लिया है और ये हमारे कपड़े की ओपन साइड है और ये हमारे कपड़े की फोल्ड वाली साइड है। अब इसके बाद हमें कपड़े के किसी भी एक किनारे को इस तरह से उठाकर तिकोने में फोल्ड करना है और अब इसके बाद हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसको हम चार से डिवाइड कर लेंगे और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरी हिप है 18 इंच, तो 18 को चार से डिवाइड करने पर आता है हमारा 4.5 इंच, तो उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, यानी कि 5 इंच पर हम इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे। और अब इस निशान को हमें ऊपर से नाप कर देख लेना है, तो ये मेरा 7 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से हर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम इस निशान को मिला लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी हिप है उसका हमें एक तिहाई हिस्सा ले लेना है। तो 18 का एक तिहाई हिस्सा होता है हमारा 6 इंच। तो यहाँ पर इंची टेप को हमें इस चौक के निशान से 1 इंच ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट 1 इंच की अलग से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा ऊपर से मार्जिन में जाएगा। तो 6.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा खींच लेंगे। और अब इस निशान को हमें ऊपर हिप लाइन से जोड़ लेना है और इसके बाद हमें इस तरह से हल्की सी आसन की शेप देनी है। तो यहाँ पर मेरा आसन के लिए निशान लग गया है। अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें लंबाई का भी निशान लगाना है। इंची टेप को हमें 1 इंच कमर के निशान से ऊपर रख लेना है और उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की जो लेंथ है वो है 15 इंच, तो 15 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन का। तो 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसी तरह से हमें हर 16 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इन सभी निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है और अब इसके बाद हमें अपने प्लाजो की कटिंग करनी है। और अब इसके बाद ये जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है इसको भी हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे प्लाजो की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद इस तरह से हमें बिछा लेना है इसे और दोनों आसन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आधे इंच के मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है इस पर। तो एक तरफ का आसन मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे वाले आसन को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों आसन को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इस तरह से हमें कपड़े को खोल लेना है और यहाँ पर जो हमारी आसन वाली सिलाई है वहाँ से हमें सेंटर से इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस पर हमें दोनों तरफ जॉइंट वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आधे इंच के मार्जिन से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें कपड़े को इस तरह से सीधी साइड टर्न कर लेना है और इसके बाद हमें अपने कमर के राउंड को नाप लेना है। तो इस तरह से आसन वाले हिस्से से हमें कमर के राउंड को नापना है। तो यहाँ पर ये मेरा 25 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हमें एक पट्टी लेनी है।
तो यहाँ पर मैंने करीब 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर मेरी 26.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 25 इंच में 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई ली है। अब इसके बाद हमें अपने प्लाजो की उल्टी वाली साइड पे अपनी पट्टी की सीधी वाली साइड को रखना है और 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है। और अब इसके बाद हमें 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को प्लाजो के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था अब इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें ऊपर से इस तरह से 1/2 इंच के कपड़े को फोल्ड करना है और एक बार हमें इसे और फोल्ड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा मार्जिन का उसे हम अंदर की साइड रख के पूरे कमर के राउंड पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने 1 इंच का कपड़ा इस तरह से छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। अब इसके बाद हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसका हमें 2/3 हिस्सा करना है। तो 18 का 2/3 हिस्सा होता है मेरा 12 इंच। तो 12 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है और 13 इंच की हमें इलास्टिक यहाँ पर कट कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 13 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। और उसके बाद हमें इसे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह से बेल्ट वाले हिस्से में डाल लेना है। और अब इसके बाद हमें इसको इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पर डबल सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर जो हमने 1 इंच का सिलाई का कपड़ा छोड़ा था यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके बाद हमें इस तरह से दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचते हुए इलास्टिक पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें अपने प्लाजो की ये जो मोरी है इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें मोरी को फोल्ड करना है और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो एक सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से कपड़े को एक बार और फोल्ड करके इस पर भी हमें एक सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आप मशीन से सिलाई लगा सकते हैं या फिर इस पर आप पीको भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लाजो के घेरे पर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरे घेरे पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों घेरे पर सिलाई लगा ली है और मेरी प्लाजो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।